हेलो बच्चों, आज फिर आपके प्रभात सर आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं और आपको फिर से अपने चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले आपको फिर याद ही होगा, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, जितना भी हो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। उससे भी ज़्यादा जो भी आशा करता हूँ, जो भी आज तक आपको पढ़ाया गया है, मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप लोग अब कंटिन्यू फिजिक्स की क्लास से जुड़ गए होंगे और आपको अपने क्लास का जो आनंद है वो आपको आ रहा होगा। चलिए आज छोटा सा टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अगर मान लो कि मैंने इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर मुझे विद्युत धारा चाहिए और विद्युत धारा को हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जानी है तो इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत थी, चालक तार की ज़रूरत थी। तो अब हम उसी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप अगर देखो कि अगर कोई चालक तार है, इसकी चालक तार है, तो इस चालक तार जब इससे धारा चलेगी, अगर आप अभी मान लो कि इससे धारा नहीं जा रही है, मान लो कि कोई चालक तार है और इससे धारा नहीं जा रही है, तो क्या हो रहा होगा सोच के देखो। जब भी किसी चालक तार से जब धारा नहीं जाती है तो इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो कि इसके अंदर सारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो मैंने बोला था कि यही जो है, जो धारा जब ये प्रवाहित होता है एक निश्चित दिशा में, मैंने आपको क्या बोला था कि जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जब प्रवाहित होती है तो मुझे क्या मिलती है, धारा मिलती है। तो अगर आपके पास अभी तो धारा बह नहीं रही है, इसका मतलब ये निश्चित दिशा में अभी बह नहीं रहा है, यानी अभी ये जिधर चाह रहा होगा उधर जा रहा होगा, क्योंकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें से सोच के देखो कि मैंने इसमें से किसी एक को बाहर निकाला, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कभी ऐसे जा रहा होगा, ऐसे 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 जिधर मन कर रहा होगा उधर जा रहा होगा, आप सोच के देखो, क्योंकि ये मुक्त है। और अगर ये क्या ये वापस भी तो आ रहा होगा, तो ये ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया फिर वापस आ गया। अब सोच के देख कि ये जहां से चला था क्या ये अपनी जगह पर वापस आ सकता है या नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो अगर पूछा जाए कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का, ध्यान से सुनना, अगर पूछा जाए कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेलोसिटी यानी औसत वेग क्या है, तो क्या लिखोगे, जीरो। क्यों? क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो सकता है, इधर उधर चलते फिरते फिर वापस अपनी जगह पर आ सकता है, क्योंकि ये फ्री है, जिधर मन करेगा उधर जा सकता है, ये रुकेगा नहीं कहीं पर, क्योंकि अभी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब ना एक निश्चित दिशा में चलेगी, लेकिन जब तक इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये एक निश्चित दिशा में चलेगी नहीं, जिधर मन करेगा उधर चलेगा। तो इसके इस सड़क को हम लोग कैसा सड़क कहते हैं, इसको कहते हैं जिग जैग पाथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग पाथ, मतलब इधर उधर घूमना। अब ये देख इलेक्ट्रॉन चला, चलते चलते इधर उधर चलते हुए क्या अपने जगह पर आ सकता है, तो मैं भी क्या कह सकता हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है चालक तार से, तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा औसत वेग शून्य, क्योंकि वो जब चले जहां से चलते हैं फिर घूमते फिरते हुआ वहीं पर वापस। लेकिन अगर पूछा जाए क्या औसत चाल शून्य होगा, तो नहीं, औसत चाल शून्य नहीं होगा, लेकिन औसत वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वह इलेक्ट्रॉन की विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। दूसरी बात, तो आप यह भी तो बोल सकते हैं ना कि सर जब आप बात करते हैं कि आवेश जब चलेंगे आवेश का बहाव होगा तो धारा तो होनी चाहिए, तो आप सोच कर देख कि जब आवेश चलेंगे ये, जब ये सब चल रहा होगा इधर उधर, जब सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, तो आप बता तो धारा तो बह रही होगी। लेकिन आप ऐसा सोच, अब थोड़ा ध्यान से देख कि जब ये मेरे पास एक चालक तार है और ये देख इस चालक तार का कौन चीज है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हमने क्या आपको समझाया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटाई। ध्यान से देख, मेरे पास एक चालक तार है और इस चालक तार का देखिए कौन चीज है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बता अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन
ये अब इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी। अगर मान ले कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर इधर से इधर गया, उतने ही समय में इधर से इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर से इधर गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर वापस आ गया उसी समय। अब बता, तो जितनी धारा इस तरफ गई उतनी धारा फिर इस तरफ आ गई, रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब किसी चालक तार, ध्यान से सुन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वह जिधर चाहेंगे उधर जा सकते हैं, और जब जिधर चाहेंगे उधर जा सकते हैं, इसका मतलब कि जहां से वो चला फिर वापस भी तो अपनी जगह पर आ सकता है। जब अपनी जगह पर जब वो वापस आ जाएगा तो क्या उसके विस्थापन क्या होंगे? शून्य होंगे। तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जब उसका औसत वेग शून्य हो गया तो आप याद इसी ढंग से सोच सकते हो कि जब औसत वेग उसका शून्य है, इसका मतलब जहां से वो कहीं गया ही नहीं हुआ। जब औसत वेग शून्य हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो कहीं गया ही नहीं। तो जब कहीं गया ही नहीं तो वो तो चला ही नहीं। जब चला नहीं तो फिर धारा कैसे होगी? जब चलेगी तब तो धारा होगी ना। तो आप ऐसा सेंस लगाएं कि जब भी किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन एक मुक्त अवस्था में होते हैं और वो जिधर मन करता है उधर जाते हैं। तो इस कारण बस क्या होता है कि वो जहां से चलता है फिर वापस अपनी जगह पर आ सकता है। तो जब आ सकता है तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। और जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो उसका औसत वेग भी शून्य हो जाएगा। क्लियर? ये थोड़ा बात तो समझ में आया। और इस सब का कारण क्या है वो भी आप समझो कि जब चालक तार में, ध्यान से समझ, कि जब चालक तार बैटरी से जुड़ा नहीं होता है, जब चालक तार बैटरी से जुड़ा नहीं होता है तो, अब ध्यान से देख कि मेरे पास क्या लिखा है कि जब चालक तार बैटरी से जुड़ा नहीं होता है। तो जब बैटरी से जुड़ा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या निकलता है? ध्यान से सुन, जब चालक तार बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि इस चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या है? शून्य है। देख, अब इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र को हमने क्या माना? शून्य। ये ई कौन चीज है? विद्युतीय क्षेत्र। ध्यान से देख, अब ये ई विद्युतीय क्षेत्र है जिसका मान क्या है? विद्युतीय क्षेत्र क्या है? शून्य है। इसको एकदम याद रखना कि जब चालक तार को हम बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, जब हम चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होंगे। तो जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य होंगे ना, तो उसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर उधर जिधर मन करे वह घूमेगा और उसका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। तो जब विद्युत है, जब चालक तार बैटरी से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र शून्य। तो विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र चालक तार के अंदर शून्य होता है। और इस चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र जब शून्य होता है तो उसी के कारण, अब ध्यान से सुनना बात को, कि जब चालक तार को जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य पाए जाते हैं। तो जब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य पाए जाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर जिधर मन करे उधर घूम सकता है। तो जब जिधर मन करे उधर घूम सकता है, इसका मतलब वापस अपने जगह पर भी आ सकता है। तो जब वो अपने जगह पर वापस आ जाएगा तो उसका विस्थापन क्या माना जाएगा? शून्य। जब उसका विस्थापन शून्य माना जाएगा तो उसका औसत वेग क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन उसका औसत चाल शून्य नहीं होगा, याद रखना, उसका औसत वेग शून्य माना जाएगा, उसका औसत चाल शून्य नहीं होगा। क्लियर? अब आगे बढ़े। अब इसी में मान लो कि मैंने क्या किया, अब ध्यान से इस बात को फिर ध्यान से सुन ले कि जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाएगा, जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होंगे। और विद्युतीय क्षेत्र शून्य होने के कारण
विद्युतीय क्षेत्र शून्य होने के कारण उसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वापस फिर अपनी जगह पर भी आ सकता है। जब वो अपनी जगह पर वापस आ सकता है तो उसका विस्थापन, कुल विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। जब उसका कुल विस्थापन शून्य होगा तो उसका क्या हो जाएगा आपके लिए? उसका औसत वेग शून्य हो जाएगा, ना कि उसका औसत चाल शून्य होगा। औसत चाल उसका शून्य होगा लेकिन उसका औसत वेग शून्य हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखिए इस बात को, तो हम क्या लिख सकते हैं हम इस चीज के लिए? अब ध्यान से देख, इसको पॉज करके लिख लो, पहले इसको पॉज करो और सही से लिखो। हम आ जाते हैं, लिखो। अब हम मिटा सकते हैं इसे। अब देखो तुम लोग कि अगर अब हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाए, यानी ध्यान से सुन, जब चालक तार को बैटरी से नहीं जोड़ा जाए तो अब देखा, मैं इसको अब लिख देता हूं शब्दों में कि जब चालक तार को बैटरी यानी बैटरी से नहीं जोड़ा जाए यानी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर ना हो तो उस समय चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ जिगजैग होता है, अतः उसका कुल विस्थापन शून्य हो जाता है। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होता है, लेकिन औसत चाल शून्य नहीं होता है। अब देख लो,
उसका पथ कैसा जिग जैग होता है, अतः उसका कुल विस्थापन शून्य हो जाता है। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य होता है, लेकिन औसत चाल शून्य नहीं होता है। ठीक है, अब इसको पॉज करो और इसको लिख लो। अब मान लो कि मेरे पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन था, ऐसे यहां पर विद्युतीय क्षेत्र इसका शून्य है, यहां पर हमने लिखा विद्युतीय क्षेत्र शून्य, यहां पर ये हमारे पास है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर मन करेगा उधर जा सकता है, कुछ ऐसे। तो फिर वापस भी तो अपने जगह पर आ सकता है। तो ये इस तरह के पाथ को हम लोग कौन सा पाथ कहते हैं, जिग जैग पथ। अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन चलकर वापस फिर अपने जगह पर आ गया, तो जब कोई चल के वापस अपने जगह पर आ जाए तो उसका कुल विस्थापन क्या होगा, जीरो। तो यहां पर कुल विस्थापन क्या है, कुल विस्थापन बराबर जीरो, अतः औसत वेग बराबर कुल विस्थापन एंड बट्टा समय। तो कुल विस्थापन हमारे पास क्या है, जीरो, और समय से उसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो बट्टे समय बराबर जीरो। तो बता, तो अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा कि जिसका, अब ध्यान से देख इस बात को कि मेरे पास क्या है, इसमें देख ले ध्यान से, मैं इसको फिर ऊपर लिख देता हूं, तुम लोग इसको लिख लिए हो, देख लो, मिटा दूं, थोड़ा पॉज करके लिख लो। अब देखिएगा, मैं अगर इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, क्या था तुम्हारे पास, औसत वेग। तो क्या औसत वेग का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, कुल विस्थापन अब बटा कुल समय। तो अब ध्यान से देख, यहां कुल विस्थापन मेरे पास क्या है, जीरो, और कुल समय, तो जीरो बट्टा कुल समय, तो यहां पर आपके लिए कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक बात बता, जब जिसका औसत वेग शून्य हो जाए तो इसका क्या मतलब निकला, हम कॉमन सेंस क्या लगा सकते हैं कि वो जहां से चला वहीं तो है, इसका मतलब वो तो रुका हुआ है, चल कहां रहा है। लेकिन विद्युत धारा के लिए कि वो आवेश को चलना जरूरी है या नहीं है, हाँ चलना जरूरी है। आज क्या बात समझे तुम लोग, कि किसी चालक तार के अंदर जो वह बैटरी से जुड़ा हुआ ना हो, यानी उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर ना हो, तो चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होते हैं। और जब चालक तार के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होते हैं, ध्यान से सुनना, चालक तार के अंदर जब विद्युतीय क्षेत्र शून्य होते हैं तो चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर मन करेगा उधर जाएगा, यानी उसका उसका पथ जो होगा वो कैसा होगा, जिग जैग। और जब उसको जिधर मन करेगा उधर जाएगा तो वो पुनः वापस अपनी जगह पर आ भी सकता है। तो जब वह पुनः अपनी जगह पर वापस आ जाएगा तो उसके विस्थापन क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जब उसके विस्थापन शून्य हो जाएंगे तो उसके औसत वेग भी शून्य हो जाएंगे, और औसत वेग जब शून्य हो गया तो इसका क्या, लेकिन उसका औसत चाल शून्य नहीं होगा। तो हम ऐसा क्या सोच सकते हैं कि जब उसका औसत वेग शून्य है, इसका मतलब वो जहां था वहीं तो है, क्योंकि जहां से चलेगा वहीं वापस आएगा, तब तो औसत वेग शून्य होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, विद्युत धारा के लिए क्या चाहिए, उसको चलना तो चाहिए, लेकिन हमको औसत वेग शून्य आ रहा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, वो तो चल ही नहीं रहा है। तो क्या मुझे धारा मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर हम इसको दूसरे ढंग से भी समझेंगे कि धारा क्यों शून्य होती है किसी चालक तार में, जब तक वो बैटरी नहीं उसमें जोड़ा जाए, उसका भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल देखेंगे। फिर से मैं आशा करता हूं तुम लोग इससे जुड़े होंगे मेरे साथ, और मेरे पढ़ने से आपको अपनी क्लास की फीलिंग जरूर आती होगी। आप कमेंट जरूर करो, जितने ज्यादा से ज्यादा हो, अपने प्रभात सर के लिए इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, जितने ज्यादा हो सब्सक्राइब करो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ सब कुछ तुम्हें पढ़ा दूंगा क्लास की तरह, जैसे ये ना लगे कि अरे ये तो चीज़ हो नहीं रही है। क्लियर, जितना भी हो तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है, और जो मन करे सो करो। क्लियर, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, कल हम लोग फिर मिलेंगे और इससे आगे थोड़ा सा, आज हम ज़्यादा नहीं तुम लोग को पढ़ा पा रहे हैं खुद, क्योंकि मैं फीवर में हूँ, इसलिए ज़्यादा
मैं नहीं ज़्यादा अभी टाइम दे पा रहा हूँ, लेकिन कल मैं इससे अच्छा और अच्छे ढंग से नया टॉपिक लेके आऊँगा और शायद इससे और बेहतर ढंग से समझोगे कि विद्युत धारा क्यों शून्य होती है अगर बैटरी से अगर चालक तार को नहीं जोड़ा जाए तो, और चालक तार के जोड़ देने से क्यों धारा बहने लगती है, इस पर भी हम बात करेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, ओके, लव यू ऑल।